अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स को। देखिए, न्यूमेरिकल्स करने से पहले इस चैप्टर के अगर आप न्यूमेरिकल्स समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो मैंने कॉलम आपके सामने बनाया हुआ है इसको याद कर लेना है। कैसे याद करना है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको नज़र क्या क्या आ रहा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट। सबसे पहले आपको ये बताओ कि डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, यानी कि इसकी सिंबल क्या है। इसको एस से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को डी से, हाइट को एच से, वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, स्पीड को भी हम वी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन स्पीड जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से डिनोट किया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, एक्सीलरेशन को ए से, ग्रेविटी को जी से और टाइम को टी से डिनोट करते हैं। अब दूसरी चीज़, आपको इसकी यूनिट पता हो, डिस्टेंस की यूनिट क्या है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और यहाँ पे हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, डिस्प्लेसमेंट की भी यही यूनिट है, हाइट की भी यही यूनिट है। इसी तरह से वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी की भी यही यूनिट होती है, फाइनल वेलोसिटी की भी यही यूनिट होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटी की भी यही यूनिट होती है, इस तरह से टाइम की यूनिट हमारे पास होती है सेकंड। मीटर को हम डिनोट किससे करते हैं, मीटर को हम डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम से। मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं या आप मीटर पर सेकंड इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, ये दोनों यूनिट हैं इसकी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं हम, एस से।